नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने हाजिर हो गया हूँ इमोशनल बैंक के बारे में बात करने। बहुत सारे बैंक का नाम सुना होगा, SBI का नाम सुना है आपने, ICICI का नाम सुना है, IDFC का नाम सुना है, क्या आपने कभी इमोशनल बैंक का नाम सुना है? यही तो सबसे बड़ा ये वो बैंक होता है जो इंसान को इंसान से मिलाता है, अपने रिश्तों को मजबूत करना है तो आज ही से इमोशनल बैंक में पैसा भरना चालू कर दीजिए, इमोशनल बैंक को भरना चालू कर दीजिएगा। अगर आप रिश्तों को लंबे दूरी तक लेकर जाना चाहिए, लंबा जीवन खुशहाल बिताना चाहते हो, मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ता जो होता है सबसे बड़ा, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा तत्व होता है जीवन का, जो आपका एक ऐसा घटक है जो हमेशा ज़्यादा चाहिए। रिश्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इंसान रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता है। रिश्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं, लेकिन रिश्ते इंसान रिश्तों को मजबूत नहीं बनाता है। तो उस पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है? इमोशनल बैंक को भरना है। तो इमोशनल बैंक को भरने के लिए मैं कुछ सिद्धांत बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है? सामने वाले को सुनना है, उसको समय देना है, उसको गिफ्ट देना है, उसकी भाषा को समझना है, भावनात्मक को समझना है, उसकी भावना को समझना है। और जो आखिरी का है, जो अगर आप कमिटमेंट करते हैं, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कर दीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, इमोशनल बैंक को खाली करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं, वो माइनस में चला जाता है, जीरो हो जाता है, 0-1 हो जाता है, 2 हो जाता है, माइनस में माइनस में माइनस में माइनस 10 हो जाता है, माइनस 10 तक पहुँच जाता है, पता नहीं चलता है। हमें क्या करना है? हमें आज से अपने इमोशनल बैंक को भरना है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सचमुच में आपके जीवन को बचाना चाहता हूँ, आपके रिलेशन को बचाना चाहता हूँ। और ये सिद्धांत अगर आज आपने अप्लाई कर दिया अपने जीवन में, तो सचमुच में आपका लाइफ, आपका जो जीवन है बदल जाएगा। तो इमोशनल बैंक को भरना शुरू कर दीजिएगा मित्रों। जो आप बात करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये सारा चीज़ करते करते आप इमोशनल बैंक को भरते रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू।